साइती रखिबा सजाई रखिबा। यार लेखक होचंती पद्मलोचन पालटा सिंह। पद्मलोचन पालटा सिंह 1933 मसीह खोर्धा जिलार मलिपड़ा ग्राम में जन्मग्रहण करथिले। से जने आदर्श शिक्षक भाव में तांकर बेस सुनाम थिला। जने मननशील लेखक भाव में से बहु गुण अधिकारी थिले। गांधीवादी चिंताधारार से जने आदर्श शिक्षक। यार केंद्रीय भावधारा प्रत्येक जिनिष को यथा स्थान रे साइती रखिबा एक भल गुण और भल अभ्यास। अनेक समय रे रखिबा जिनिष आमर बहु उपकार रे लागे। प्रत्येक जिनिष को ठीक स्थान रे सजाई थिले घर परिष्कार सुंदर लागे, मन फुर्ती रहे, कार्य रे आग्रह बढ़े। यही अभ्यास मनीष को दायित्ववान और कर्तव्यनिष्ठ कराए। प्रत्येक जिनिष को साइती सजाड़ी न रखिले बहु असुविधार सम्मुखीन होगाकू पड़े। सेतिपई संग्रहालय गुड़िकरे अति पुराणा और दुर्लभ जिनिष मान रखा जाए। अतएव उक्त जिनिषर उक्त विषय रे लेखक प्रत्येक जिनिष को ठीक भाव रे सजाई रखिबा और संग्रहालय रे आवश्यकता संपर्क रे एठारे वर्णना करिसंती। प्रबंधटी को संपूर्ण भाव रे देखिबा। समय 10टा चंदन आसी डाक पकाइला, तू एपर्यंत बाहरी ना हूँ, तोर सबुदिन विलम्ब हेउछि। तन्मय बड़ा व्यस्त होई सार्ट खोजुथिला। सेतिक बेले ता बो धला सार्टी धरी सेठारे पहुँचिले। पचारिले, पिजुली गछ डालरे याको के रखिथिला? तन्मय प्रतिदिन कौन ना कौन हजाए, ताकू खोजिबारे तार बहु समय नष्ट हुए। केउं दिन पैंट शर्ट आलमार रे पछपटे पड़ी थाए तो केउं दिन आलना रु लुगा तले रही जाई थाए। बही, खाता, कलम, पेंसिल, रबर, स्केल जहा खोज खोजला बेले हठात किछि मिले नहीं। हाँ, ये असुविधा बराबर लगी रही थाए। घरु बाहरिला बेल को तन्मय बो उपरे राग तमतम हुई बाहरे। यही कथा तार माउसी पुओ भाई चंदन प्रतिदिन देखे, हेले से व्यस्त हुए नहीं। तन्मय ठारू से बयसरे बड़, सप्तम श्रेणी रे पढ़ुची। तन्मय को से स्नेह करे, ताकू साथी रे स्कूल को डाकी नेबार दायित्व माउसी ताकू देइछंती। एथिरे से आनंदित। घरु बाहरी पड़िले दुहे खुशी मनरे गप करी स्कूल को जाती। सेदिन स्कूल जीवा बाटरे चंदन कहिला, तन्मय तू तो जिनिष तक साइती करी रखु नाहु काहिंकी? जिनिष सजाई रखिले खोजिबाकू पड़े नहीं। तन्मय कहिला, मु कौन सजाड़ी रखु नहीं काहिंकी? आम चिनु परा सबू घांटी पकाउछि। चंदन ताको बुझाइला, जेउ माने निज काम निजे करंती नहीं, से माने सबु बेला अन्य को दोष दियंती। आम श्रेणी शिक्षक दिने श्रेणी रे हमको कहिले, जिनिष साइती रखिबा गोटे कठिन काम नुहे, एहा गोटे भारी भल गुण। प्रतिदिन एथप्रति सामान्य ध्यान देले यह अभ्यास रे पड़ी जाए। एसबू बुझाइबा को जाई गुरुजी दिने आमको केतोटी सत्य घटना कही थिले। थरे जणे भद्रलोक रेलगाड़ी रे जाउथिले। टीटीआई आसी तांको टिकट मागिले। भद्रलोक तांकर पॉकेट डायरी बैग सबुठा खोजिले, सबको खोजिगले किंतु टिकेट पाइले नहीं। से टिकेट करिसेंती बोली जेते कहले मध्य टीटीआई विश्वास करने को नाराज। एणे जेतिकी विलंब हेउथाए पाखरे बसिथिवा यात्री माने तांको आड़को सेतिकी आड़े आड़े अनाउ थांती। सेते सते जेपरी से बहाना करुछंती तांको अपराधी भली लागिला एवं बड़ा बाधिला। से बाध्य होई आउ थरे टिकट कले। ता सांग को जोरिमाना मध्य देले। से गाड़ी रू ओल्हाई घर को आसिला बेले बाटरे बैग भितर टिकेट खंडिक पाइले। बैग भितर गोटे पॉकेट थिला। सेथिरे टिकेट टिकु रखु रखु तांको अजणा रे ताहा खंडिए भांग हो भितरे रही जाइथिला। सामान्य अजत्न रु तांको अपमान ओ धनहानि उभय सहिबा को पड़िला। जो जिनिष जो जगार रहिबा कथा ताकू ठीक सही जगार रखिले घरटी सफा सुतरा रहे, स्थानटी सुंदर दिशे। एभली केतक जिनिष अछि जो गुड़िक जत्नर सहित साइती रखिले भविष्य सेगुड़िक मूल्यवान संग्रह रूपे परिचित होइथाय। डाक टिकट से भली पुराणा मुद्रा शंख और कौड़ी भली सामुद्रिक पदार्थ पक्षी मानकर पर विभिन्न प्रकार दुर्लभ पत्थर संग्रह कले सेथिरो अनेक कथा जानी हुए। गुरुजी कहूथिले आम राज्यर भुवनेश्वर गोटे म्यूजियम बा संग्रहालय अछि। सेठारे बहु प्रकार जिनिष संग्रह करी साइती रखा जाइछि। प्रतिदिन सेठाको बहु लोक बुली देखिबाकू जान्ति। मुपरा केते जातिर जिनिष संग्रह करी आम घरे गोटे छोट संग्रहालय तैयारी करिछि। ए कथा सुनी तन्मय से सबू देखिबा को आग्रह प्रकाश कला। जेतेबेले इच्छा आम घर को गले सबू जिनिष देखाई देबी बोली चंदन आनंद रे कहिला। सेदिन संध्यारे तन्मय सबू कथा ता बोऊ को जणाइला। ता परदिन छुट्टी थिला। तन्मय चंदन घर को बोऊ को साथीरे गला। गोटिया पिला पाठ पढ़िवा संगे संगे एते जिनिष संग्रह करि परिछि एवं एते सुंदर भावरे सजाई रखिछि देखि से माने खुशी होई गले। चंदन नाना प्रकार पथर पशु पक्षी चित्र पक्षी पर डाक टिकेट मुद्रा इत्यादि संग्रह करिथिला। से पत्र पत्रिकारु केते लेखा काटिकरी रखिछि। तार गोटे फोटो आलबम मध्य अछि। विभिन्न चित्र जिनिस एवं परिष्कार परिच्छन्न सजासज देखि तन्मय को भारी भल लागिला। से सेठारे अनेक प्रकारर कंढे भी देखिला। से पुणी देखिला चंदनर पैंट शर्ट सुंदर भावरे सजड़ा होई रहिछि। तार सबु बही नुआ परी चिकचिक करुछि। हां मौसी खुशी हुई चंदन को कही पकाइले, पुआ तू घरे गोटे छोट संग्रहालय करी देइछु। तन्मय कौन देखिब तोर संग्रह गुड़िक बड़ा मनीष मध्य आसी देखिबे। तन्मय फोटो आलबम और चढ़ई मानकर चित्र देखि सारी डाक टिकट आलबम देखु देखु बोऊ को कहिला, बोऊ चिन्नु को आनिबा, से भी देखिबो। ए सब देखिले से आउ किछि फोपड़ा फोपड़ी और भंगारुजा करिबो नहीं। बोऊ कहिले तू एणिकी तो जिनिस साइती रख, से ताकू देखू। बड़ भाई ठू सान भाई माने अनेक कथा सिखंती। हाँ चंदन कहिला निज जिनिस साइती रखिले एवं सजाई रखिले तू बुझी पारिबु एथिरु केते आनंद मिले। साइती रखिबार अभ्यास मनुष्य को जत्नशील दायित्ववान और श्रृंखलित करिथाए। जने जत्नशील और दायित्ववान लोक जीवन रे केबे हारी जाए नहीं। पिला माने प्रबंधटी को तो सुनिला देखिला। वर्तमान यार किछि कठिन शब्दर अर्थ चाल जानिबा। विलंब अर्थात डेरी, आलना अर्थात जेउथिरे लुगापटा रखा जाए, घांटी अर्थात खेलाई, टीटीई अर्थात रेल यात्री को टिकेट जांच करुथिबा कर्मचारी, नाराज अर्थात राजी नथिबा, सामुद्रिक अर्थात समुद्ररु मिलुथिबा, दुर्लभ अर्थात जहा सहजरे मिले नहीं, आलबम जहा फोटो साइती रखिबार बंधेई बही, संग्रहालय अर्थात जेउ घरे विभिन्न प्रकारर जिनिस संग्रह करा जाय साइती जाए, व्यस्त अर्थात व्याकुल, कठिन अर्थात कष्ट, बाहाना अर्थात छलना, जत्नशील अर्थात जत्नवान, बराबर अर्थात सदा सर्वदा, डायरी अर्थात दिनलिपि, जोरिमाना अर्थात अर्थदंड बा दंड, धनहानि अर्थात धन क्षय।